चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। सारा दिन कमरे में आराम करते करते थक नहीं जाते? जानू बिल्कुल थक जाता हूँ, आज भी थक गया हूँ कमरे में आराम कर करके, और अब मैं सोच रहा हूँ जानू कि मैं लाउंज में जाके आराम करूँ। पापा ने पैसे भेजे अकाउंट में। देखा जानू, मुझे पता था कि पापा जी को एक ना एक दिन मेरे टैलेंट की कदर जरूर होगी। पापा ने घर के खर्चे के लिए पैसे भेजे हैं नबील, तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं। खूबसूरत, तुम्हारे पापा को अपने इकलौते दामाद की बिल्कुल फिक्र नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में आके एक दिन सुसर बदल डालू। सुसर बदलने के लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी नबील। हाँ तो मैं तैयार हूँ भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम आज से लड़की ढूंढना शुरू कर दो। शराब नबील। ओके जानू, जल्दी से जाकर पैसे निकलवाओ, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। चला जाता हूँ जानू, लेकिन मैं ना 2000 रुपया रखूंगा बीच में से। अच्छा नबील रख लेना, पर पैसे बहुत आराम से लाना। जी जानू टेंशन ना लो, कितने पैसे का चेक आ रहे हैं जानू? 20 लाख का चेक है यार, को पापा जी ने 2-4 करोड़ भेजा होता तब भी मैं बड़े आराम से ले आता। मैं अभी जानू क्यों गया, क्यों आया, क्यों गया, क्यों आया। ये बता कितना माल लेकर आया है? पूरे 420 रुपए लूट के लाया रवि भाई। यस ये क्या चिल्ला रहे हैं? मैंने तुम दोनों को डकैती मारने के लिए भेजा था, भीख मांगने के लिए नहीं। नहीं नहीं ज्योति भाई, हलता मतलब हमने डकैती नहीं मारी, नहीं भीख मार दिया हमने, तो ये फकीर तो लूटा धन पॉइंट है। ओफ, इसी तरह चलता रहा ना तो हम भूखे मर जाएंगे, भूखे। नहीं 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 गोगी भाई, भूखे नहीं मरेंगे, 400 रुपए में 4 प्लेट बिरयानी आ जाएगी, पकड़ के लाऊं। कुछ बड़ा सोच बड़ा। तो दद्दू के थैले से बल वाला बलदल लेते लाऊं गोगी भाई? हमेशा खाने के बारे में सोचता है। देखिए मैंने अब सोच लिया कि क्या करना है। तो क्या सोच है गोगी भाई? अब हम किसी अमीर बंदे को किडनैप करेंगे और फिर उसे 10 लाख का मुतालबा करेंगे। 10 लाख का? 10 लाख? हाँ, फिर मैं उन पैसों से ना अपने गांव में एक जमीन लूंगा और फिर चावलों की फसल उगाऊंगा, चावलों की फसल, और उन चावलों की बिरयानी बनाएंगे। ओ, तू फिर खाने के बारे में सोच रही है? चल किसी अमीर बंदे को ढूंढते हैं। आ जा, चल चल चल। हाँ हाँ, नहीं नहीं जानू, कैसी बातें कर रही हो? लाख रुपए का फोन क्या हैसियत रखता है तुम्हारे सामने? लाखों कुर्बान तुम पे, मिल जाएगा फोन। अरे कैसी बातें कर रही हो, मुझे एड्रेस भेजो, आज ही भिजवा दूंगा तुम्हें। क्या मसला है बाबा? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। जानू होल्ड करो जरा, 5000 काफी है भाई। बाबा वो दे। जानू मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, फकीर आ गया, जरा इसको फारिग कर दूं। हाँ भाई, अच्छा भाई ये ले। हैं? 10 रुपए? और चल चल, शाबाश, निकल निकल निकल। सीधा चल, वो शारी नहीं, कुछ बोलना ना, गोली मार दूँ। ओ भाई एक बात बता दो, मुझे यहाँ लाए क्यों हो और मुझे बांधा क्यों हुआ है? अरे लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं अभी। अरे आप कहीं तबस्सम के भाई तो नहीं हो? आप यकीन करें भाई, मेरा तबस्सम से कोई चक्कर नहीं है, वो तो मेरी बहनों जैसी है, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। हाँ तो इसे जाने दे गोगी भाई, तेरे पागल हो गया क्या? इसको हमने अगवा किया पैसों के लिए, तलाशी ले इसकी जेब की। बंगले का गरीब ड्राइवर हूँ यार, मेरे जालिम मालिक ने 1 महीने की मुझे बड़ी मुश्किल से सैलरी दी थी एडवांस, वो भी आप लोगों ने छीन लिया यार। अब क्या करेंगे गोगी भाई, हम तो ड्राइवर को उठा के लेके आ गए। देखो भाई अब मुझे जाने दो, अगर किडनैप भी करना है ना तुम लोगों ने, तुम मेरे मालिक को करो, महमूद असलम को, बड़े मुंह वाले को। बड़ा पैसा है,
10-15 लाख तो आसानी से दे देगा वो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा उसको अगवा कराने में। ठीक है, ओए सुन, अगर गोगी भाई से तूने कोई होशियारी की ना छोटी शर्ट वाले, तो गोली मार दूंगा तुझको मैं। आ, भाई बिल्कुल नहीं करूंगा होशियारी, आपसे होशियारी करके मैंने मरना है। रेगिस्तानों मैदानों में भटकी वो रसवाई में सी रह गई नौशीन फरीन जमीन। इधर आ। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। अरे मुझे तो नहीं लगती। मुझे क्यों बुलाया माँ जी? अरे खूबसूरत, कुछ खाने को दो भाई, बड़ी सब भूख लग रही है। महमूद साहब, घर का राशन खत्म हो चुका है। पापा जी ने अकाउंट में पैसे भेजे थे, लेकिन नबील अभी तक लेकर नहीं आया। अरे भाई हो सकता है नबील वो पैसे लेके फरार हो गया हो। खूबसूरत, मेरा पुत्र इतना वो नहीं हो सकता शफीक। महमूद। हाँ, मेरा पुत्र इतना महमूद नहीं हो सकता शफीक। ओह गॉड, जाए महमूद साहब, जाकर देखे नबील कहाँ रह गया। अच्छा भाई, अभी देख के आता हूँ। चल नसीमा, जब तक ना तू पड़ोस वालों से मेरे लिए खाना मांग के ला। शाबाश। हेलो महमूद साहब। हाँ नबील, अरे कहाँ हो यार तुम? सारे घर वाले सख्त परेशान हो रहे हैं। महमूद साहब, मुझे ना एक्चुअली एक खूबसूरत लड़की ने रोका हुआ था भाई। खूबसूरत लड़की? अरे कहाँ है नबील? ओ यार महमूद साहब, आपकी पुरानी महबूबा है भाई, कह रही अगर महमूद ना मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं 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 नबील, तुम उसके पास ही रहो, है उसे खुदकुशी ना करने देना। यार महमूद साहब जल्दी आए, हम लोग ना गली की नुक्कड़ पर ही खड़े हैं। मैं अभी आया। महमूद साहब आ रहे हैं। गोगी भाई थोड़े से कंजूस हैं, अगर पैसे ना देना तो बेशक दोनों टांगों पर गोली मार दीजिएगा। पैसे तो तेरा मालिक देगा ही देगा, और अगर उसने ना दिया ना तो टांग पे नहीं सर पे गोली मारूंगा, सर पे। अगर जे 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 गोगी भाई जी, बस आते ही होंगे महमूद साहब। आ गए महमूद साहब, आ गए। नबील, नबील। आजे महमूद साहब, आजे। आए आए। नबील, नबील, कहाँ है वो लड़की? महमूद साहब वो ना। अब तो ठीक है गोगी भाई, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, निकल निकल, चल 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 चल। तेरी जान के बदले ना पूरे 10 लाख मांगेंगे हम। 10 लाख? अरे बच्चों, अब मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरे पास इतनी रकम कहाँ से आएगी भाई? अबे और ट्यूबलाइट झूठ मत बोल, तेरे ड्राइवर ने ना हमें सब कुछ बताएगा तेरे पास पैसा कितना है। हाँ, उसी ने तो कहा था उसे छोड़ दे और तुझे पकड़ ले। चल लगा फोन अपने घर। वो मेरा ड्राइवर नहीं है, मेरा सौतेला बेटा है, और ये निहायत ही खुरांट और मक्कार और झूठा आदमी है वो। इसका मतलब ये भी तलीब आदमी है जोधी भाई, अब इसका तार तले। गोली मार दे, गरीब आदमी का इस मुल्क में कोई काम नहीं है। मुझे मार के आप लोगों को क्या मिलेगा? क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ कि किसे अगवा करना है। जल्दी बताओ। खादना नबील की बीवी खूबसूरत को अगवा करे। ओए बुरी बात, मैं दूसरों की खूबसूरत बीवियों पे नजर नहीं रखता। अरे उसका नाम खूबसूरत है, अरे उसका बाप बहुत ही अमीर आदमी है, 3-4 फैक्ट्रियां तो ऐसे ही आपके नाम कर देगा वो। ए ते फैक्ट्री ना हमारे नाम भी ती दीदा, मेरी माती थी फैक्ट्री, माती थी। चुप चुप चुप। इसे एड्रेस लो और खूबसूरत को अगवा करके लेकर आओ यहाँ पर। मैं जाऊंगा कि भाई। क्यों, शादी में आए तू? पहले चंगू मंगू अगवा करेंगे खूबसूरत को, तब जाके मैं तुझे रिहा करूंगा, समझा? दोती भाई आप भी हमारे साथ चले, अगर खूबसूरत भाली हुई तो मुझे तेरे उठा दे। मुझे खोल दे, मैं कौन सा भाग रहा हूँ? नाक में खुजली तो गिर। तो बड़े वाले दरवाजे की बैल है। सलाम अलैकुम खाला। खबरदार
यार मुझे खाला का, खाला होगी तुम्हारी फूफी बेहया। आती माफ कर दे, तुम दोनों ना शक्ल से मुझे वो लग रहे हो बच्चू। वो था वही जिन्हें पुलिस में दे देना चाहिए। उसे कैसे पता चलो कि हम किडनैपर हैं? हम ना थुपतुलत से मिलने आए, आप ना थुपतुलत तो बुलाए प्लीज। नहीं, सारे शहर में मुझसे ज्यादा खूबसूरत है ही कोई नहीं। आप तो यकीन है तो आप ही थुपतुलत है? मेरी खूबसूरती पे शक किए जा रहे हैं। हाँ तो फिर चलो खूबसूरत आंटी। हाँ हाँ पुत्र चल। लुतो 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 दोदी भाई। हाँ दोदी भाई, ये थुपतुलत ना हमारे तब्दे में। ओके लेकर आ जाओ सेदार। ओते ओते चलो चलो भाई चलो चलो। हाँ चलो 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 भाई चलो चल भाई तू अब आजाद है। खोल दे ना, ये खोले तो सही। खोल देना रस्सी, ये यहाँ से बांधी हुई है। ये शुक्रिया। अरे चल 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 यार महमूद साहब के बगैर घर में कितना सुकून है। ज्यादा भोले मत बोलो, तुमने गोगी बाई से झूठ बोलकर मुझे अगवा करवाया है, किडनैप। वो तो महमूद साहब मैंने जानबूझ के कराया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि आपके बड़े मुंह की दहशत की वजह से वो आपको उंगली तक नहीं लगाएगा, और देखे वही हुआ। अच्छा, और अगर वो लोग मुझे गोली मार देते तो महमूद साहब मैं आपके मरने के गम में स्वयं प्लान करता, बूफे लगवाता बूफे। जब करो नबील, तुम जैसा घटिया तरीन इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अब बच्चू तुम्हें पता चलेगा मेरा इंतकाम। क्या मतलब महमूद साहब, कैसा इंतकाम? तुमने मुझे किडनैप करवाया था ना, मैंने भी किडनैपर्स को कह दिया कि मुझे किडनैप करने का कोई फायदा नहीं होगा, खूबसूरत को किडनैप करो। क्या? हाँ, अरे अब तक तो वो किडनैप भी हो चुकी होगी। महमूद साहब कितने गिरे हुए निकले यार आप। अच्छा, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, ये उसका बदला है नबील। अरे मैं और मेरी बीवी तो मेरी पेंशन पे गुजारा कर लेंगे, तुम भूखे मरोगे खूबसूरत के बगैर। महमूद साहब ये आपने बड़ी घड़ी हरकत की है यार, मैं तो आपकी दिल से इज्जत करता था यार। मुझे तुम मेरी कहते थे वो इज्जत थी। हाँ जी। अच्छा जी। नबील महमूद साहब माँ जी घर पे नहीं है यार, पूरा घर छान मार है, कहीं भी नहीं है। थैंक यू। ये तो कहीं से खूबसूरत नहीं है। अभी भी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम महवेश हयात है भाई साहब। ये तो अपना नाम महवेश हयात बता रही है, और मैंने तुम दोनों को खूबसूरत को उठाने के लिए भेजा था। चलो। हाँ तो मैं खूबसूरत हूँ बच्चू, इस साल ना 3 फिल्में ऑफर हुई है मुझे। अरे क्या फिल्म है? गोगी भाई महमूद ने जो एड्रेस बताया था वहीं से उठा के लाए इसे। हाँ यहाँ बैठ के ना बड़ी वो हो रही है मुझे, चल खो खो खेलते। चुप चुप। हमने तुम्हें यहाँ पे ना दो खो खेलने, मेरा मतलब है खो खो खेलने के लिए नहीं बुलाया, अगवा किया है। अगवा? खुश हो विषय, आपने मुझे अगवा किया। हाय सच्ची। हाय, मुझे बचपन से बड़ा शौक था अगवा होने का। गोभी भाई? गोभी नहीं, गोगी भाई। गोगी भाई? गोगी, गोगी तो जी मेरी मुंह बोली खाला की जो पड़ोसन थी उसकी नंद का छोटा जो भतीजा था, उसकी जो बहन है उसका जो नंदोई था, उसकी जो बेटी थी उसका नाम है गोगी। चुप चुप। जल्दी से अपने घर का नंबर बता, चल जल्दी से। मुझे ना खाली पेट कुछ समझ नहीं आता धोबी भाई, जल्दी से एक बड़े वाला पिज्जा और 4 बर्गर मंगवा दे। हम लोग बर्गर नहीं खाएंगे। 4 बर्गर तो मैं अपने लिए कह रही हूँ। जल्दी से चला जा, 4 बर्गर लेकर आ जा जल्दी से। थैंक यू टोपी भाई। टोपी नहीं, मेरा नाम गोगी, गोगी भाई है मेरा नाम, गोगी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जा। ये आप लोग फोन के आसपास
पास क्यों मंडला रहे हैं? जाए माँ जी को ढूंढे। जानू वो ना हम लोग किडनैपर्स के फोन का इंतजार कर रहे हैं। भाई आप लोगों को इतना यकीन कैसे है कि किसी ने माँ जी को किडनैप कर लिया है? हो सकता है वो घर का रास्ता भूल गई हो। बताएं मैं मुसाब। मैं क्यों बताऊं भाई, तुम बताओ। अच्छा ठीक है मैं ही बता देता हूँ। बहुत अफसोस की बात है, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों की वजह से माँ जी पता नहीं किस हाल में होंगी। अरे भाई मुझे तो मुमताज से ज्यादा उनके किडनैपर की फिक्र है जो इतनी देर से उसके साथ है। खा लिया पेट भर के, और तो कुछ नहीं खाना। थैंक यू, आधे घंटे के बाद खाऊंगी। टोपी भाई। ये टोपी नहीं है, मेरा नाम गोगी है। गोगी भाई नंबर बता जल्दी से। नंबर 72 79 100। ये तू नंबर कौन सा बता रही है? हाँ ठीक से याद करके बता जल्दी से। हाँ वो बॉबी भाई मैं क्या करूँ, मेरी वो बड़ी कमजोर है। ए चंग मंगू, इस औरत को ना कुछ याद नहीं आ रहा है। उड़ा दे इसको। ओके बॉस। 0356 000 यही नंबर है मेरे मिये का। जल्दी से नंबर लगाइए, जल्दी से। हेलो, कौन है भाई? अबे सुन, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, समझा? क्या बकवास कर रहा है, कौन सी वाली? अबे तेरी कितनी बीवियां हैं? अब पूरी 3 बीवियां हैं। तूने किसका अगवा किया है? ओ बीवी तेरा नाम क्या है? आपका नाम तो बोगी भाई है जी। तू अपना नाम बता। मेरा नाम तरन्नुम है। हमने तरन्नुम को अगवा किया है, समझे? तरन्नुम को अगवा कर लिया तुमने? ओए उससे तो मैंने 1 हफ्ता पहले ही निकाह किया है, वो भी खुफिया। आज शाम 5 बजे अपनी तीसरी बीवी को छड़वाने के लिए ना 10 लाख रुपए लेकर आ जाना। और खबरदार, अगर तूने पुलिस को इतला की तेरी बीवी को जान से मार डालेंगे। हाय मुझे अपने घर का नंबर याद आ गया। या अल्लाह, तो ये किसका नंबर था? वो तो मेरे मुंह से निकल गया था, स्लिप फुटांग। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap, अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।